कल कांग्रेस पार्टी ने एक बयान दिया और कहा कि पंजाब में 3 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे कांग्रेस पार्टी के, और वो 3 मुख्यमंत्री बनाएगी 2022 के इलेक्शंस में अगर उन्हें जीत मिलती है तो। पहले मुख्यमंत्री होंगे सुनील झाकड़, दूसरे मुख्यमंत्री होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, तीसरे मुख्यमंत्री होंगे चरणजीत सिंह चन्नी। अब आप सोचिए कि अगर ये 3 लोग मुख्यमंत्री बनते हैं या ये 3 लोग मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं तो सरकार कैसी चलेगी। कांग्रेस पार्टी इतनी आपस में लड़ लड़के खत्म हो गई है कि आज उनके पास हर चीज में, हर ओहदे के लिए लड़ाई ही लड़ाई है। अगर ये 3 सीएम पद के उम्मीदवार बनते हैं तो सीएम कौन बनेगा? क्या इसका यह मतलब है कि चरणजीत सिंह चन्नी साहब को सिर्फ एक नाइट वॉचमैन की तरह इंटरम अरेंजमेंट के तहत सीएम बनाया गया, उनका इस्तेमाल किया गया, वो एक स्पेसिफिक भाईचारे से आते हैं, उन्हें अपीज करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया और अब कांग्रेस आज उन्हें छोड़ रही है और कह रही है कि हम अपना सीएम या सुनील झाकड़ को बनाएंगे या नवजोत सिंह सिद्धू को बनाएंगे। तो क्या चन्नी साहब को सिर्फ इस्तेमाल करने की, यूज करने की मंशा थी कांग्रेस पार्टी की? क्या चन्नी साहब के साथ कांग्रेस पार्टी ने यूज एंड थ्रो किया? मैं कल कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन, राहुल गांधी के बेहद करीबी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब के बयान को का जिक्र कर रहा हूं। कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का 3 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील झाकड़ और चरणजीत सिंह चन्नी। इसका मतलब साफ है कि चन्नी साहब सिर्फ एक नाइट वॉचमैन थे, उन्हें इस्तेमाल किया गया और अब कांग्रेस पार्टी उन्हें छोड़ रही है, किसी और को आने वाले इलेक्शंस में चेहरा बनाकर आगे लाएगी। और आप खुद ही सोचिए कि कितनी इंस्टेबिलिटी होगी सरकार में अगर ये तीनों लोग आपस में, चारों लोग आपस में मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ाई लड़ते रहे। कांग्रेस पार्टी आज के समय पूरे पंजाब में लड़ लड़के खत्म हो गई है। किसी भी नेता की एक दूसरे नेता से अपनी पार्टी में नहीं बनती कांग्रेस पार्टी, किसी की किसी से नहीं बनती कांग्रेस पार्टी में। सब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, सब एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कुछ नाम अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आपको पढ़ने के बाद ये यकीन हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में किसी की भी किसी से नहीं बनती है। और कांग्रेस पार्टी एक मैड फाइट हाउस बन गया है जिसपे सिर्फ लोग आपस में लड़ाइयां लड़ते हैं, एक रेसलमेनिया बन गई है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू की चरणजीत सिंह चन्नी साहब से नहीं बनती, चरणजीत सिंह चन्नी साहब की सुनील झाकड़ से नहीं बनती, सुनील झाकड़ साहब की प्रताप सिंह बाजवा से नहीं बनती, प्रताप बाजवा साहब की नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती, भारत भूषण आशू की नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती, भारत भूषण आशू की राणा केपी से भी नहीं बनती, ओपी सोनी की नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती, नवजोत सिंह सिद्धू की रमिंदर आवला से नहीं बनती, चरणजीत सिंह चन्नी की रवनीत बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू साहब की सिद्धू साहब से नहीं बनती, मनप्रीत बादल की नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती, परगट सिंह की रवनीत बिट्टू से नहीं बनती, राजकुमार वेरका की राजा वड़िंग से नहीं बनती, राजा वड़िंग की मनप्रीत बादल से नहीं बनती, नवजोत सिंह सिद्धू की सुखी रंधावा से नहीं बनती, सुखी रंधावा की राणा गुरजीत से नहीं बनती, राणा गुरजीत की नवतेज चीमा से नहीं बनती, राणा केपी की बरिंदर ढिल्लन से नहीं बनती, बरिंदर ढिल्लों की सिद्धू मूसेवाले से नहीं बनती, प्रताप सिंह बाजवा की सुखी रंधावा से नहीं बनती, नवजोत सिंह सिद्धू की सुनील झाकड़ से भी नहीं बनती, सुनील झाकड़ की चरणजीत सिंह चन्नी से नहीं बनती, रवनीत बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, मनीष तिवारी की भी नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती, रवनीत बिट्टू की मनीष तिवारी से नहीं बनती है, तृप्त बाजवा की अश्विनी सेकड़ी से नहीं बनती, सुखपाल खेरा की राणा गुरजीत से नहीं बनती, मनीष तिवारी की चरणजीत सिंह चन्नी से नहीं बनती, गुरजीत सिंह औजला की नवजोत सिंह सिद्धू से नहीं बनती है, परनीत कौर की नवजोत कौर सिद्धू से नहीं बनती। और ये सब देख के पंजाब के लोगों ने ये मन बना लिया कि अब पंजाब के लोगों की
कांग्रेस पार्टी से नहीं बनती है। इतनी लड़ाई कांग्रेस में चल रही है, हर एक शख्स एक दूसरे से लड़ रहा, लड़ाई लड़ लड़ के उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया। आज कांग्रेस पार्टी पूरी बिखर गई है पंजाब में, और इतनी टूट गई है, इतनी तबाह हो गई है कांग्रेस पार्टी की, आज पंजाब में कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट बर्बाद करने जैसा है। इतनी लड़ाई के बाद मैं पंजाब की आवाम से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि अपना कीमती वोट आप कांग्रेस पार्टी को देकर बर्बाद मत करिएगा। कांग्रेस खत्म हो गई है, कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद मत करिएगा। अपना वोट एक स्टेबल और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट के लिए, एक स्थिर और एक मजबूत सरकार के लिए आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को दीजिएगा, जहां पर लड़ाई नहीं प्यार है, जहां पर झगड़ा नहीं अमन शांति और भाईचारा है। मेरी ये अपील पंजाब की आवाम से। बहुत बहुत शुक्रिया।